जलियाना गांव नजबहरिया टाउन में हेल्थ रेड अलर्ट के उनवान से इंपीरियल कॉलेज के तलबा ने सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें गांव के अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार में तलबा ने डेंगू वायरस मलेरिया से आगाही के लिए टैबलो भी पेश किया। सेमिनार में शरीक अफराद का कहना है कि आगाही मुहिम से इन्हें सेहत के बारे में काफ़ी मालूम हासिल हुई हैं। हमें पानी उबाल कर पीना चाहिए, जिससे हम हाथ और घर की सफाई साफ सुथरी रख सकते हैं, और हमें घर की चीज़ों को भी डाम कर रखना चाहिए, और इससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हमें अपने घरों और स्कूलों की सफाई रखनी चाहिए, और हमें साफ सुथरा रहना चाहिए, और हमें साफ सुथरा लिबास पहनना चाहिए। हमें खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोना चाहिए। हमें खाना पकाने से पहले हाथ धोने चाहिए, और खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी हाथ धोने चाहिए। रात को सोने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए, और हमें इर्द गिर्द का माहौल भी साफ सुथरा रखना चाहिए, ताकि हम बीमारियों से बच सके। इंपीरियल कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के तलबा का कहना है कि उन्होंने इस गांव का इंतखाब पसमानदगी की वजह से किया है, और वो अपने मुल्क की खिदमत का जज्बा रखते हैं। ये बहुत ही पसमानदा इलाका है, जहाँ पे लोगों को बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है कि वो किस तरह से सफाई का और अपनी सेहत का ध्यान कर सकें। तो हमने इसलिए इस एरिया को टारगेट किया, ताकि हम यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस दे सकें। एज अ तालिब इलम होने की हैसियत से हमने सोचा है कि हम कोई कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करें। रिसर्च के बाद हमने ये इलाका टारगेट इसलिए किया क्योंकि ये बहुत पसमानदा था। इंपीरियल कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ के तलबा का जज्बा काबिल सताइश है। अगर दीगर तालिब इल्म भी मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए ऐसे काम करें तो मसाइल खुद ब खुद हल होने लगेंगे। तलबा की इस किस्म की मुहिम में शिरकत इस बात को वाजिया करती है कि नौजवान नस्ल अपने मुस्तकबिल को बीमारियों से पाक और महफूज रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। कैमरामैन आसिम अमीन के साथ उमर असलम, सिटी 42।